Good afternoon, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll discuss the new chapter. The name of the chapter is Means of Transport and Communication. जो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं कि हम किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एंड कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने मैसेज पहुंचाते हैं. वी यूज़ व्हीकल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. These vehicles are our means of transport. इनको means of transport कहते हैं, यातायात के साधन. They are also used to carry goods. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग ही उसमें जाते हैं, उसमें सामान भी जाता है, ट्रेन में जैसे मालगाड़ी वगैरह होती है. They move on land, water and air. अब वो कहाँ कहाँ लैंड में, ज़मीन में, पानी में और एयर, सब जगह ट्रैवल करते हैं. एयर में एरोप्लेन, लैंड में कार वगैरह, वाटर में शिप वगैरह. अब नीचे है लैंड ट्रांसपोर्ट, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, बुलक कार्ट, साइकिल, ये सब ज़मीन पे चलती हैं. इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, साइकिल, सॉरी, ऑटो रिक्शा, उसके बाद कुछ जगह मेट्रो भी चलती है ज़मीन पे. ठीक है, कार्स, बसेस, स्कूटर, बुलक कार्ट एंड साइकिल मूव्स ऑन व्हील्स ऑन द रोड. इनके में व्हील्स लगी होती है, यानी रोड पर चलती है. अब आप बोलेंगे ट्रेन पटरी पर चलती है, पर पटरी जो होती है वो रोड पर ही बनाई जाती है. सम मूव वेरी फास्ट एंड सम आर स्लो. कुछ गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं जैसे कि कार, और कुछ स्लो चलती है जैसे कि बुलक कार्ट या साइकिल. सम गिव आउट स्मोक एंड सम डोंट. कुछ में से धुआं निकलता है और कुछ में से नहीं. जैसे साइकिल में से धुआं नहीं निकलता, रिक्शे में से भी धुआं नहीं निकलता, पर कार में से धुआं निकलता है, बस में से धुआं निकलता है. ट्रेन एंड ट्राम्स रन ऑन द ट्रैक. जो ट्राम ट्रेन होती है वो भी एक तरह की ट्रेन ही होती है, तो वो लोग ट्रैक्स पे, पटरियों पे चलते हैं. ट्रेन्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. ट्रेन्स जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है. वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट, शिप, स्टीमर, ये सब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. शिप्स, बोट, स्टीमर्स एंड कैनन्स सेल ऑन वाटर, ये सब जो हैं ये पानी में चलते हैं. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स फ्लाई इन द एयर, दे मूव वेरी फास्ट. ये हवा में चलते हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं. तो नेक्स्ट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पीपल यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट विद अदर्स. लोग एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं. एवरी टाइम वी आर नॉट एबल टू मीट अ पर्सन टू होम वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस. क्या होता है कि हम लोग दूर दूर रहते हैं, तो हम सामने सामने तो बात कर नहीं सकते, तो वी कैन टॉक टू देम ऑन टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स. तो हम उनसे क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं या फ़ोन कर लेते हैं. वी कैन ऑल्सो सेंड देम लेटर्स और ईमेल्स. हम उन्हें लेटर्स भी भेजते हैं या ईमेल्स भी भेज देते हैं ऑफिशियल काम वगैरह के लिए. ठीक है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है. लेटर्स, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम बात करते हैं. तो आज की क्लास में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं. डिड यू नो एस्ट्रोनॉट यूज रॉकेट्स टू गो इन टू स्पेस. आसमान, स्पेस में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री हैं, वो रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबको पता ही है. तो आज आपका होमवर्क क्या है कि आपको दो लैंड ट्रांसपोर्ट की पिक्चर ड्रॉ करनी है या पेस्ट करनी है, दो वाटर ट्रांसपोर्ट की, दो एयर ट्रांसपोर्ट की और दो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की. तो इन चारों की आपको दो दो पिक्चर्स पेस्ट करनी है या आप ड्रॉ कर सकते हैं. आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं. आप अपनी EBS की कॉपी में इनके नाम, इनकी पिक्चर पेस्ट करेंगे या ड्राइंग करेंगे और उसके नीचे उसको लिखेंगे भी कि उसका नाम क्या है. जैसे मान लो अगर आपने हेलीकॉप्टर बनाया, तो आप हेलीकॉप्टर की पिक्चर बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे भी हेलीकॉप्टर. ठीक है, और ये आप मुझे सेंड करेंगे. आप इनको लर्न भी करेंगे कि आपको दो एटलीस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट पता होने चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की एक्सरसाइज करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.